एक छोटा सा मुक्तक है श्रृंगार का और एक दूसरी कविता है, जैसा उन्होंने कहा कि जब आनंद का अतिरेक होता है, अतिरेक मतलब ओवरवेलमिंग, तो कुछ शब्द अनायास फूट पड़ते हैं। और मेरा शुरू से मानना रहा है और अनुभव भी रहा है कि कविता कुछ अलौकिक कहती है या कह सकती है। तो ऐसे ही किसी क्षण में परमात्मा के लिए कोई भी धन्यवाद का भाव उठा हो तो एक कविता फूट पड़ी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धूप छांव। धूप छांव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसा है कभी रुलाए हाथ ना आए। धूप छांव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसा है कभी रुलाए हाथ ना आए। कभी कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है मेरी झोली, कभी राहत की धूप धूलोई गर जाती है क्रूर ठिठोली। इसीलिए तो बिलख बिलख कर कहता हूं मैं, पैरी है या मीत हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए। धूप छां है प्यार तुम्हारा, कभी हंसा है कभी रुलाए हाथ ना आए। ये परमात्मा को समर्पित है। मुखरित हो जाता अपने में कभी कभी तो सूनापन भी, मुखरित हो जाता अपने में कभी कभी तो सूनापन भी, और कभी तो भरे जगत में पास न रहता अपना मन भी। इसीलिए तो सिसक सिसक कर कहता हूं मैं, मौज कहूं या इसे किनारा, कभी डुबोए पार लगाए आस जगाए। धूप छां है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। और आखिरी स्टैंजा है, कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण अनजाने, कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण अनजाने, कभी नयन के यमुना जल में बह जाते हैं घर पहचाने। इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहता हूं मैं, है कैसा अनमोल सहारा, दीप बुझाए स्वप्न जगाए नींद ना आए। धूप छां है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। ये मेरी श्रीमती जी यहां गई हैं, 27-28 साल हम लोग हो गए साथ में, एक दूसरे की जिंदगी में प्रवेश किए हुए। तो जब 25 साल हुए तो उनके सम्मान में ये श्रृंगार रस की एक छोटी सी कविता चित्रा के लिए, उनका नाम चित्रा है। तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नशीली शरद की चांदनी है, तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नशीली शरद की चांदनी है। हृदय को मोहती है प्रणय संगीत जैसी, हृदय को मोहती है प्रणय संगीत जैसी, नयन को सोहती है सपन के मीत जैसी। तुम्हारे रूप जैसी बसंती धूप जैसी मधुस्मृति से रसीली शरद की चांदनी है। ये तमाम उपमाएं मैंने उनके लिए सजोई थी। चांदनी खिल रही है तुम्हारे हास जैसी, हंसी चांदनी खिल रही है तुम्हारे हास जैसी, उमंगे भर रही है मिलन की आस जैसी, प्रणय की बाह जैसी अलक की छां जैसी, प्रिय तुम जैसी लचीली शरद की चांदनी है। हुई है क्या न जाने अनोखी बात जैसी, भरे पुलकन बदन में प्रथम मधुरात जैसी, हसी दिल खोल पूनम गया हार संयम, वचन से भी हरीली शरद की चांदनी है। तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नशीली शरद की चांदनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक और जी जो थे, आप जब इनकी पहली कविता सुनी तो काफी गंभीरता के विषय को दर्शाती थी, बट
इनके चश्मे इनके बालों के अंदाज से कोई धोखा ना था, सिंगारस में था काफी तगड़ा पकड़ लिया। तो आपने तो अपना जीवन सुधार लिया सुधांशु जी, अब मैं हरीश जी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ पंक्तियां हैं, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो ये भी दर्शाएंगे किस विषय में आपके सामने बोलना चाहते हैं। तो ये जीवन की सारांश को बताती है कि प्रेम भी एक बड़ी अजब चीज है। प्रेम भी एक बड़ी अजब चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, साइकिल चलानी पड़ती है, इधर उधर भागना पड़ता है। तो प्रेम भी एक अजब चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और कमबख्त बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। तो इसी दर्शन को जो है मनीष जी बताएंगे, बट मनीष जी के बारे में दो लाइनें मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में। जब इनके संपर्क में आया तो मुझे पता लगा कि मनीष जी जो है ये कानपुर से इनका जन्म हुआ है और मेरा इनसे फिर काफी रुझान हुआ क्योंकि कानपुर मेरी जन्मभूमि भी है, गंगा किनारे। सो मनीष जी कानपुर के हैं और इनका बड़ा जो है लेखन में साहित्य में काफी रुचि रही है इनकी, और इनकी प्रेरणा जो है इनके दादाश्री रहे हैं। और इन्होंने उर्दू, जो इनके दादाजी थे उर्दू और फारसी के विख्यात कवि थे, तो मनीष जी ने उनसे काफी प्रेरणा ली और उन्होंने काफी अपनी अपने जो व्यवसाय है उसके साथ समय निकालकर हिंदी की सेवा करने का इन्होंने काफी बीड़ा संभाला और काफी आगे लिखने का कोशिश किया। और उनकी कविताओं को जब मैंने सुना मैं रियली आत्मविभोर हो गया, बहुत ही इनसे प्रभावित हुआ। और इनकी जो ये कचकचा जो सुनाने जा रही है यही जीवन के मार्गदर्शन को बचपन से लेकर और जवानी और बुढ़ापे के बारे में आपको दर्शाएगी। मनीष जी, सबसे पहले मानव भाई आपने जो अलंकृत किया मुझको उसके लिए धन्यवाद, और हिंदी मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया है कि अपनी कुछ रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। मेरी पहली जो रचना है, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो एक बच्चे के बचपन से लेके जवानी तक की चार अवस्थाओं को मैंने बस कुछ लाइनों के माध्यम से आपके सामने पेश करने का एक प्रयास है। मेरे दिल की आवाज़ अगर आप तक पहुँचे तो इसको साथ जरूर बढ़ाइएगा। जो पहली अवस्था होती है बच्चे की, 5 से 6 साल की उम्र होती है, जो एक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ होती है और उसकी मासूमियत अपने चरम पे होती है उस टाइम पे 5 से 6 साल की उम्र। तो सागर सामन लहरों सातन मन की बात सुनाता हूँ, सागर सामन लहरों सातन मन की बात सुनाता हूँ, जग को देखूं अपने ढंग से मुख में सार दिखाता हूँ, गीत नए से गाता हूँ मैं, गीत नए से गाता हूँ। दूसरी अवस्था जो कि खेलने कूदने की उम्र होती है, छोटे छोटे दोस्त बनते हैं तो उसके बारे में है थोड़ा सा, जिसको हम प्री टीन भी बोलते हैं, कि कृष्ण सुदामा दोनों भीतर नित नित नीति रचाता हूँ, कृष्ण सुदामा दोनों भीतर नित नित नीति रचाता हूँ, नाग पाश का भय नहीं मुझको। बच्चा जब उस उम्र में होता है उसको बुरे का खौफ नहीं होता है, गलत चीज का उसको खौफ नहीं होता है, खौफ किस चीज का होता है कि नागपाश का भय नहीं मुझको, पर आंचल से बंध जाता हूँ, गीत नए से गाता हूँ मैं, गीत नए से गाता हूँ। सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टेज आती है तीसरी, युवावस्था, टीनेज, दोस्त यार इश्क प्यार मोहब्बत, बहुत सारी भावनाएं समय प्रबल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं परिवार वाले थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाते हैं, लेकिन प्राथमिकता उनकी दोस्त यार प्यार मोहब्बत। तो उसके बारे में कुछ लाइनें हैं कि प्रतिपल जीवन उन्मुक्त स्वच्छंद मीत सखा बन जाता हूं, दो सीप के मोती थोड़ा काजल घुमड़ते बादल केशों के मधुमय स्वप्न सजाता हूं, गीत नए से गाता हूँ मैं, गीत नए से गाता हूँ। तो चौथी जवानी, जिसमें उसको वास्तविकता का बोध होता है कि असल में जिंदगी है क्या, क्या चीज है, और या हम यूं कहें हमारी अवधि में बोलते हैं कि नून तेल का भाव बदल जाता है। तो संघर्ष कठिन मन विचलित है, संघर्ष कठिन मन विचलित है, धरा मरुस्थल नभ कर्कश है,
भावनाएं रेत पथ धूमिल है, संघर्ष कठिन मन विचलित है, धरा मरुस्थल नभकर्कश है, भावनाएं रेत पथ धूमिल है, हर स्पंद से सकता व्याकुल है। भावनाएं रेत पथ धूमिल है, हर स्पंद से सकता व्याकुल है, पर जीवन उत्सव मनाता हूं, गीत नए से गाता हूं, मैं गीत नए से गाता हूं। छोटी सी चार लाइनें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बीच में आपको हस्तक्षेप करना चाहूंगा कि मनीष जी ये किस्सा मुझे बता रहे थे, उन्होंने बहुत लेट में बहुत आखिरी में उन्होंने इसको डाला, तो उसका सारांश ये है कि सब कुछ कमाना, एक व्यक्ति दूसरे से कह रहे हैं समझदार व्यक्ति कि सब कुछ कमाना इस जीवन में जिल्लत को छोड़कर, सब कुछ गंवाना इस जिंदगी में इज्जत को छोड़कर, और किसी को चाहिए तो दे देना जरूर, किसी को चाहिए तो दे देना जरूर, क्योंकि सब कुछ जाना पड़ता है, क्योंकि सबको जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर। तो मनीष जी की दूसरी रचना जो है इस दुनिया में फैली हुई नफरत, क्योंकि जो उन्होंने बताया चार स्टेजेस होती हैं, तो जब समझ आ जाती है और दुनिया में आजकल क्या चल रहा है इसको दर्शाने के लिए इन्होंने बताया है कि भाई दुनिया में जो नफरत और घृणा और आपस में जो एक होड़ सी लगी हुई है जीवन को जीतने की, और आदमी को कभी कभी विस्मित कर देती है, बहुत परेशान कर देती है, और इसी बारे में उन्होंने कहा है और सोचा है कि ये कवि को मजबूर किया है उसने सोचने को कि इस दिन दुनिया कैसे चल रही है, कोई ऊपर वाला हमारी दुनिया को चला रहा है कि नहीं चला रहा है। नेक्स्ट जो उनकी अगली कविता है वो इसी को प्रदर्शित करेगी। थैंक यू प्लीज। तो जैसा कि उन्होंने बोला, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाला है भी या नहीं, किसी के हिस्से में इतने दुख क्यों है। तो जब है तेरे हाथ सर परस्ती में, तो नीचे ये शैतानियत क्यों है। जब है तेरे हाथ सर परस्ती में, तो नीचे ये शैतानियत क्यों है। बातें हैं अमन परस्ती की, तो कामिल हैवानियत क्यों है। चेहरों पे हैं चेहरे, तन के हैं उजले, चेहरों पे हैं चेहरे, तन के हैं उजले, तो मन के काले गहरे क्यों हैं। नेकी का पाठ पढ़ा, बदी की रट लगाई, नेकी का पाठ पढ़ा, बदी की रट लगाई, तो फैलाई ये नफरत क्यों है। कहीं तो मासूम परिंदे बच्चे हैं छोटे छोटे, कहीं पे बहुत खुश हैं, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे उनको शायद रोटी तो दूर की बात है, उनको अगर जिंदगी भी मिल जाए आगे की तो बहुत बड़ी चीज है। तो उस पर चार लाइनें हैं कि कहीं मासूम परिंदे सुनहरे प्यारे नन्हे मुन्ने, कहीं तो मासूम परिंदे सुनहरे प्यारे नन्हे मुन्ने, तो कहीं बन के कतरे फैले छितरे क्यों हैं। कहीं तो लिपटे हैं माँ के आंचल से, कहीं तो लिपटे हैं माँ के आंचल से, तो कहीं कफन का दामन क्यों है। कहीं वो माँ है, बहन है, बेटी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है। आखिरी दो लाइनें हैं। कहीं वो माँ है, बहन है, बेटी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, तो कहीं वो अभागी दामनी निर्भया या अमानत क्यों है। तो ये शैतानियत क्यों है, हैवानियत क्यों है, नफरत क्यों है, जिल्लत क्यों है। प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सिंधी मंच की तरफ से बहुत अगला जो हमारा पड़ाव है वो एक नाटक से शुरू हो रहा है, सतीश जी इसको आगे संभालित करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।